आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास, जिसमें भी एक लड़का है, एक बॉडी है जो 1 kg को ली है, स्ट्रिंग में बांध के घुमा रहा है। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। ये आपका मास है, ये स्ट्रिंग है, ये आपका रोटेशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। एम आपका 1 kg का है, स्ट्रिंग का लेंथ जो कि आपका रेडियस का काम करेगी 10 सेंटीमीटर की है। अरे जब ये घूमेगी तो ये रेडियस नहीं हो जाएगा? आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए यानी 0.1 मीटर। और बदतमीजों ने एन दिया है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया है, 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा के आते ही लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलेरेशन और टेंशन सब आ जाएगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, 2πn आपका 3 है, 3 × 6π, एम आई राइट? आपको निकालना था लीनियर v इज इक्वल टू r ओमेगा, 0.1 × 6 × π, 0.6 × 3.14, चार चम 24, 6 × 6 = 2, 8, 6 × 3 = 18, 3 के बाद लगा दिया मीटर प्रति सेकंड। दूसरी चीज थी आपके पास, आपके पास एक्सेलेरेशन, इसमें आप लगा दीजिए आर ओमेगा स्क्वायर। कंपटीशन में अप्रोक्सीमेटली चल रहा बेटा 0.1, इसको करोगे तो 36π² पाई स्क्वायर 10 ले लेना, क्योंकि 3.14 होता है, उसका स्क्वायर करोगे 9.8 के आसपास आता है, तो पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेशन 10 ले लेना, तो आपकी हो गई 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा इससे कम होगी, 35 पॉइंट समथिंग होगी, आपका काम बन गया। तीसरी चीज उसने कहा फोर्स निकालो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो आप जानते ही हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? अरे एक्सेलेरेशन और मास। तो अब उसमें पूरा फार्मूला ना लिखिएगा, m इंटू ए सी, तो देखिए m r ओमेगा स्क्वायर वैसे ही हो जाता है। m आपका 1 kg का है, a आपका लगभग 36 है, कर देंगे तो 36 न्यूटन के पास आपका फोर्स आ जाएगा।